और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर श्रावस्ती पहुंचे और राप्ती बैराज से विकास यात्रा की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने अलशेंद्र इंटर कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत भी उनके द्वारा की गई और इसके बाद देवी पाटन मंदिर में दर्शन भी किए। इस दौरान तोमर मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में देश विकास की ओर लगातार अग्रसर है और मोदी के कार्यकाल में देश की साख बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब समीक्षा की तो उन्होंने तय किया कि जो परियोजना चालू हो गई है हम पहले उसे पूरा करें, जिससे कि जनता को उसका फ़ायदा मिलने लगे, कृषि के क्षेत्र को उसका फ़ायदा मिलने लगे और योजना पूरी हो। यह परियोजना भी पहले जिला स्तर की थी, उसके बाद इसको 2015 में मेगा प्रोजेक्ट में तब्दील किया गया। सारा खर्चा केंद्र सरकार ने अपने ऊपर लिया। इसमें 9 जिले सम्मिलित किए गए, 6000 से अधिक किलोमीटर नहरों का डिजाइन किया गया और 6000 से अधिक गांव इससे प्रभावित हों और लगभग 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई इस परियोजना के माध्यम से हो।